केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। इस मामले में अभिषेक मिश्रा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भोपाल से गिरफ्तार किया। अभिषेक मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला है और उसे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं अभिषेक की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए अभिषेक की गिरफ्तारी पर एतराज जताया है। कमलनाथ सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए हैं कि राज्यों से किसी भी शख्स की गिरफ्तारी किए जाने पर स्थानीय थाने को सूचना देना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने एक गुप्त शिकायत के आधार पर अभिषेक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि अभिषेक सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर और अपनी एक वेबसाइट के जरिए भड़काऊ पोस्ट धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट लिखता है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। बुधवार दिन में अभिषेक के अपहरण की खबर के बाद दिन भर राजधानी पुलिस परेशान रही। शाम को दिल्ली पुलिस की सूचना के बाद राजधानी पुलिस को स्थिति साफ हुई। दिल्ली की साइबर सेल ने अभिषेक की गिरफ्तारी की सूचना भोपाल पुलिस को नहीं दी थी। मंगलवार को दिल्ली पुलिस की टीम कोयफिजा स्थित उनके घर पहुंची थी। पुलिस ने उन्हें खुद को आप पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए एक वेबसाइट बनवाने की बात कही। इसके बाद अभिषेक कुछ समझ पाता, दिल्ली पुलिस की टीम उन्हें हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाकर रवाना हो गई। गिरफ्तारी को लेकर जहां मध्य प्रदेश गृह विभाग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई, वहीं अभिषेक को कांग्रेस आईटी सेल का प्रमुख बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन किया है। सोशल मीडिया पर अभिषेक की राहुल गांधी, सीएम कमलनाथ, अरविंद केजरीवाल सहित कई कांग्रेसी नेताओं के साथ फोटो भी है।